सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहा है दूसरा प्लानिंग के साथ, हाइकिंग के साथ। फिलहाल यहाँ बहुत बारिश हो रहा है और फिर भी मुझे नाहरलगुन जाना है बहुत दूर। तो आधे रास्ते का बाद मेरा गाड़ी फेले, लाल ताप कैसे खाला हो गया। एक्चुअली जो मेरा गाड़ी है वो उस दिन इमरजेंसी के चलते बया का सर। तो फाइनली पूरे 40-30 मिनट शायद, ठीक आई थिंक 30 मिनट के बाद मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। हमारा रेलवे स्टेशन अरुणाचल का लास्ट स्टेशन है यहाँ में, इसका आगे में घूमतो स्टेशन है। तो हम लोग यहाँ से गैदरिंग करके यहाँ से हम लोग जा रहा है, पता नहीं किस दिशा और चलेगा, बस पता चल जाएगा आगे आगे। सो यार जॉगिंग करते हुए कोई कोई आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं घुस गया आप लोग को दिखाने के लिए कि ये हमारा नाहरलगुन स्टेशन, ईटानगर स्टेशन सेमी है पूरे अरुणाचल में, बहुत बड़ा स्टेशन। यहाँ से जितना गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई सब जा सकता है। और अभी शायद एक फैशन दो जाने वाला है यहाँ पे, अभी 6 बजे जाएगा होगा शायद मेरा ख्याल से। तो यहाँ एंट्री तो नहीं देते शायद, फिर भी मैं वॉक कर लिया। यहाँ मैं सबसे पहले पहुँच गया था, इसी के चलते बहुत लोग अभी तक नहीं आया। तो मैं यहाँ इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत सरफेस अच्छा है। ये देखिए नाहरलगुन ईटानगर लिख कर रखा, और 6 बजे का टाइम दिया था। अभी यहाँ मैं एग्जैक्ट 5:55 ऐसे कुछ हो रहा है। सो यहाँ पार्किंग प्लस अवेलेबल है, लेकिन यहाँ में जितना पार्किंग प्लस अवेलेबल होने से भी हमारा यहाँ पॉपुलेशन से ज़्यादा गाड़ी व्हीकल बहुत ज़्यादा है अरुणाचल में। हाँ वहाँ दो पटरी दिख रहा है शायद, एक बहुत लंबा वाला, और जितना लंबा होगा शायद वो उतना दूर जाएगा, और वो छोटा है वो सामने ही जाएगा जैसे गुवाहाटी हो गया, और जो लंबा है वो पूरा दिल्ली मुंबई तक जाएगा। नज़ारा बहुत अच्छा है, देख लीजिए। यहाँ एक्चुअली फ्लैग था ये ऊपर में, इंडिया फ्लैग था बहुत लार्जेस्ट, लेकिन इस वक्त वो गायब। तो रुकते हैं सबको, ये लग रहा है वो ब्लू वाला है, वो 6 बजे का है, निकालने वाला है मेरा ख्याल से। अभी स्टार्ट हो गया है और पैसेंजर भी अंदर पे है। सच बीन अनाउंस दैट कि पत्रे नंबर 1-2-2 इज गोइंग टू बी लीव फ्रॉम द नाहरलगुन टू गुवाहाटी लिखा बोल रहे हैं। तो यहाँ का फैकल्टी मेंबर को इस तरह बहुत स्पेशलिटी दिया जाता है, फर्स्ट फ्लोर ऊपर तक, नीचे फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, और बस थोड़ा मेंटेन की ज़रूरी है इसमें, जो घास निकल के बहुत खूबसूरत ना, वाटर अवेलेबल, टैंकी ऊपर नीचे पूरा सफिशेंट, सब कुछ, व्हीकल पार्किंग अवेलेबल दिया है। सरकारी नौकरी सब आसान ही होता है। तो ये जाने वाला है शायद, हाँ ये तो गया 6 बजे का, इस वक्त एग्जैक्टली 6:06 है, 6:06 तो 6:06 एग्जैक्टली 6:06 इसका स्टेशन मिलना शुरू। ये शायद सच में किसी के लिए नहीं रोकता ट्रेन, ट्रेन जिंदगी में ट्रेन और चौक लड़की के पीछे नहीं पकड़ना है, वो किसी के लिए नहीं रुकता है। तो बुरा मन मना वो निकल गया ट्रेन, ट्रेन नंबर चेयर कार होने देते। तो सभी को सेफ जर्नी, कितना मज़ा से जा रहा है, वाह सच में 6:06। ये है राजा और हेलो हेलो गाइस, सब पहुंच चुका है, वो रहा सब बच्चा लोग। 17 डिसेप्शन खबर, हम लोग यहाँ से निकलते है, गाड़ी आ रहा है बाद में तुमको किले आता हूँ। और ये हापेन कॉल दिया है भाई, अरे लम्पेन कॉल दिया अभी किचर का साथ हुआर होने वाला है, पिछले मैच के बारे में डिस्कशन, बेचारा हार गया। तो सब जा रहा है यहाँ से, कितना पैदल जाएगा मुझे पता नहीं। तो हम लोग, मैं और यहाँ ब्लो इसको रुकेंगे, अच्छी का साथ जाएंगे। तो लेट्स सी,
जोर जोर से बारिश आते हुए। कॉकटेल तो के इतने चराई यहाँ पूरा बंदा को उतरना पड़ा और हम लेके पत्थर का पीछे पीछे दौड़ के चले, लेकिन गाड़ी उठ गया, ये इतना स्लिप है, 4x4 है, कुछ नहीं हुआ, अभी वो चढ़ना बाकी है। बोतल काटेगा रे, वो है नहाल दगन लिखे ब्लेज फाइनली पूरे पहाड़ ऊपर चढ़ चुके हैं। अब हम और बाकी जो पैदल जा रहा था वो लोग भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल बहुत दिल दर्द यार, इतना दर्द ना रास्ता, तो लेट्स वेट एंड सी। बाय फ्रॉम टॉप ऑफ द माउंटेन 7700 फीट में उठ के कैसा लग रहा है? चार ग्रुप करके गया था। हैप्पी हाउ यू फील योर सेल्फ? बिना चप्पल का आए, ये तो गाड़ी से आ गया। बाकी लोग का है कोपना दर्दनाक, कैसे रास्ता था यार, मेरा दिल पूरा निकल गया था। रास्ता दर्द था कि नहीं? तुमको तो मोट क्या मालूम भी नहीं होगा, हम लोग अभी तक खोवारा है। रास्ता इतना दर्दनाक वाला देखा यार, मोट को सामने मोट को घसीट करके थक चुटके चुके निकल सकता है। इतने पहाड़ इलाका में देख सकते हैं, यहाँ अनार 1, 2, 3, यहाँ हर कोई जन्म दिया बच्चा हो, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। कुछ कुछ एक तो मिल गया, नहीं नहीं किसका है? तुमको पार में चढ़ के कैसे लग रहा है? आया लग रहा है, इकट्ठे मिल गया, इतना प्यारा वाला देखो, बस इसने मुंह नहीं धुलाया अभी तक, इसका आंख में गंदा है अभी तक, मुंह क्यों नहीं धुलाया बताओ? मुंह क्यों नहीं धुलाया? मोना सर हाउ यू फील? 2 घंटा 3 घंटा चढ़ के आए, फीलिंग टायर्ड, यू टायर्ड? पूरा थक गया रे, या नीचे चलो, देखो पूरा गला लगा के आ रहे। तुम कहाँ जाएगा? मेरे साथ नहीं जाएगा? चल 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 चल, हीरो बन के। तालुम कैसा लग रहा है अभी? तो पैर एकदम घुटने में हो गया, कैसा महसूस कर रहा है बेटा? हाँ दो गोटो ऐसा ही होना है। ओ आ रहा है बाकी अजीत सर, आप लोग नीचे में रुकने के लिए बोला था, आप लोग यहाँ तक चल के आए, कैसा लग रहा है? पोगी का बच्चे कुछ दिख भी नहीं रहा है, आप लोग आज पूरा मोटो था कि व्यू पॉइंट देखने, लेकिन यहाँ पोगी पोगी हो गया। यहाँ हमारा कोच सर और यहाँ बैट्समैन टिची सोने तंगम, 2 घंटा पैदल में कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। वाह आज तो जेंटलमैन लग रहा है। मैं पैदल का स्टैमिना बढ़ गया। वाह मजा लग रहा है अभी। मजा लग रहा है एकदम। बाकी सब का है? बाकी सब पीछे कैसा तक गया होंगे बेचारे लोग। यहाँ रेस्ट पॉइंट है, यहाँ से पूरा ईटानगर जो नहालगन दिखता था, बट पोक के कारण आज थोड़ा रेनी सी भर गया है। Guys, guys, guys. Yo, 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 how do you see? Yo, 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 yo.
अभी एक दो बच्चे हुए गाड़ी लांगचो मत। तो हमारा मोटो था व्यू देखना, लेकिन बहुत पोगी पोगी हो गया है पिलर। वेरी अनलकी डे, सुबह निकलने का वक्त भी बारिश बारिश। ये तो खतरनाक खिलाड़ी। वाह अभी तक इतना सारा लोग है, अनलक्की लोग नहीं आ पाएगा कैमरा में। तो यहाँ पूरा तारती पूर्ति आदमी पूर्ति इंसान पूर्ति इंसान नमक यहाँ से जा रहा है, अभी नमक यहाँ से निकल रहे हैं। तो आई एम यहाँ ब्लॉगिंग मेकिंग बंग। तो बहुत भोगी है, मेरा पीछे भैया लोग है, भाई लोग भी है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ब्लॉग बहुत दुख की बात में व्यू नहीं देखा पाया आप लोग को। ये ईटानगर सबसे ऊंचा, आई एम सॉरी, नाहरलगन का सबसे ऊंचा जगह पॉइंट में आता है। आई एम हियर हाइकिंग विद माय पूरा क्रिकेट एकेडमी का टीम के साथ, अच्छी तौर एकेडमी टीम के साथ पूरा आया है, एंड आई एम वेरी एक्साइटिंग टू बी। यह बहुत खतरनाक रास्ता है, कोई बात नहीं, लड़की लोग भी बहुत मजबूत होता है। तो गाना सुना बजा के जा रहा है। यार बहन आर यू हैप्पी? हाँ बहुत उदास है यार। ये बोली या बहुत ताकतवर भाई। सर्दी पार, सर्दी होने का कारण मास्क पहन लिया। ये देखिए पोगी पोगी, इतने पोगी है 10 मीटर का आदमी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलते जा रहे हैं पूरे पहाड़ी साइड पहाड़, और इस साइड पूरा गायन गहना दीप एक पार जो वॉल की तरफ करा होते हैं। तो इट्स बिन वेरी डरावना एकदम। तो अब यहाँ से लेफ्ट साइड जाएंगे हम लोग, जगह जितना व्यू है यहाँ जो आपको जितना देखने में मज़ा नहीं आ रहा है वो यहाँ मज़ा है। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वाह कोई कोई गायब है जैसे लग रहे हैं। कुछ आप इतना दर्श है चुचु 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 आया कुन शो हियर जंगल तार्जन हैपनिंग एंड पायर आल्सो हैविंग यहाँ बहुत खूबसूरत किचु दो तू दोनों तो ये हम लोग का घर में खूबसूरत है। बॉयस का हाथ में तो कभी नहीं डर लगता है मुझे तो मेरा पाली आप और आशीष लेकिन लड़की का जो हेल्प कर देते हैं। धूम धमाका बारिश का बात, अब हम लोग व्यू पॉइंट देखने जा रहा है। तारुम की ओर आचे तारुम, ओ यहाँ से सच में ईटानगर दिखता है। हाँ दरिया हिल भी दिखता है। हाँ ईटानगर, वो ईटानगर, वो ईटानगर है और इसे पापुनोला। ओह पोगी फिर बन लोग, इतना बारिश आया है, अभी धूप आ रहा है। ये धूप ना आज का दिन बहुत ना बहुत करप रहा हमारे लिए। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। बारिश ने इतना धमाका बारिश हुआ है। वाह इसका मुंह में तो पानी स्लिप स्लिप आ रहा है, स्लाइवा आ रहा है। और ये मीट प्याज ओनियन लहसुन कसम और बारिश ने पूरा भिजा डाला। और ये निंजा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इसलिए ना। इसके बाद यह हमारा खाना तो सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये बात। तो सारा खाना अभी भी है, उधर भी बना रहा है, सब का के शायद पिठवा हो जाएगा, लेकिन मीट की कमियां है।
देखो चुपके चुपके जूस पी रहा है बच्चा एक तो, और वहाँ रील्स बनाते हुए सब लोग। और ये पुट इन चार्ज एज वेल एज मी। We are the meet happening. Mr. Chinano meet in church. Wow. तो यहाँ इंसान जो है तारती ए थे और यहाँ खाना भी तारती ए थे, यानी कि सबको एक एक खाना पड़ेगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इसको एक को दो आदमी खा देता है, दो आदमी जबरदस्ती खाता है। तो अभी तक बहुत सारा बच्चा है और वहाँ रील सीट बना रहा है। बेचारा काम किया तू जी हाथ। तो यहाँ से हम लोग पूरा व्यू अब देख सकता है, उस साइड है ईटानगर और ये दरिया पहाड़ है यहाँ पे, और इस साइड पूरा डीमुख। और हम लोग खाना वाना खा लिया है फिलहाल, और व्यू पॉइंट इतना काश नहीं, वो पापुन वाला चर्च जो हम लोग का घर का सामने वाला वो जो दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ। ये जो चर्च है वो हम लोग का पापुन वाला है, उसका पीछे जो है नदी है, उसका बाद ये आगे में प्रभस्तिक है, यहाँ प्रभस्ती बस्ती घर है बहुत खूबसूरत। और अब हम टॉप ऑफ द माउंटेन में है अभी तक, वह पीछे तो सब खाना वाना खा लिया है फिलहाल, तो अभी जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे बता दूँ यहाँ हवा की रफ्तार बहुत तेज है, वो नाहरलगुन सर व्यू पॉइंट का से अच्छा होगा, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। आज का बेड लक यही है कि बारिश ने हमें भयंकर तरीका से धोखेबाज दे। वाह यहाँ से आप खूबसूरत देख सकते हैं, ये रहा ये लीके है, लीके का बाद थोड़ा सा जाएगा नाहरलगुन पापुनोला और वहाँ ईटानगर। यहाँ पे नूला चिंगनामा, उसका बाद यहाँ पे जो दूली है वो पूरा जा चुके हैं, लेकिन यहाँ से निर्जली का नज़ारा बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये है UPI स्टेशन का सब सामने वाला, क्योंकि हम बहुत खतरनाक रास्ता से आया था, अभी पूरा फाने भी प्लॉट हो रहा है। ऐसे पूरा पहाड़ देख सकता है, इतना बड़ा पहाड़ पहाड़ है उस साइड भी, और यह हमारा ईटानगर नाहरलगुन बीच में पड़ता है, बहुत खूबसूरत है। और इसका पीछे भी पूरा पहाड़ी पहाड़ है, बाय इतना खूबसूरत। तो मेरा पीछे का व्यू कुछ इस तरह है, बहुत खूबसूरत है एक्चुअली। मेरा कैमरा क्वालिटी फोर बहुत फोर है, इसके कारण मैं अच्छा दिखा नहीं पा रहा, ऊपर से बादल छाया हुआ है। एंड उम्मीद करता हूँ अगर दूसरी बार जब ऐसे व्यू आएंगे तो अच्छे खासे धूप साथ देंगे। एंड आज का फ्लाइट यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे की सफ़र जो बहुत भयंकर होने वाला है, लोग कैसे यहाँ से उतरता है, मैं तो सुबह उतर कर बहुत दिक्कत हुई, पूरा इतना डर अपना रास्ता जो चारों में इधर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड चैनल पे नहीं है तो सभी को स्वागत है एंड सपोर्ट करते रहे। और यहाँ आकर डिसा हुआ जा रहा है, और ये लोग को ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा ठंडा। तो ये देखो वाह यहाँ से इससे फायरिंग, और बारिश पे ये ओ नो नो कितना बार गिरा है भाई, तालाब कितना बार गिरा है ये देखिए, खेती कर गए पूरा किचन में, वहाँ शायद भी पूरा गिर के आने वाला है, ये देखिए पूरा गिर गिर के आने वाला है। मेरा तो हालत खराब हो गया, एक बार भी नहीं गिरा है, ये देखिए कुछ कुछ
कहा गया बाकी लोग। और देखो इतना पहाड़ ऊपर उठ गया, वो देखो कितना ऊंचा में हम लोग चढ़ गया था। खाना है दो खोला है, अभी यहाँ से ऐसे करो ना, अभी जितना भी फैमिली है इनका भी गाड़ी लेने आएगा ना, उसको तुम्हें कॉल कर लो रास्ता में, क्योंकि हमको सब कॉल करा था ना, मेरा फोन तो पूरा खत्म दे दोगे ना, इसलिए तुम्हें कॉल कर लो जो जो पकड़ो में लेने आ रहे हो ना, ना किसी का नंबर अगर नेटवर्क है तो वहाँ में नंबर डायल करके देख लो ना, एक दूसरे का मिला वाला के अच्छी तरह को कॉल कर दो। बहुत खूबसूरत वहाँ में घर, एक दो तीन चार, वो रोड जो डाउन स्ट्रीम हो गया, वहाँ ऊपर में भी बस्ती है, वो ऊपर में भी बस्ती है, इधर भी बस्ती है। तो सब निकलते हैं अभी, पिलार में सुसु करने जा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, सबको बाय। पैर में सबका झुक पड़ेगा अभी, एक एक करके एक एक करके, पूरी इतना पहाड़ चढ़ना पड़ेगा अभी, हम लोग सब जा रहे हैं। आज का बारिश का हाइकिंग है। सो वी विल फॉल, सबको बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ गिरने वाला लुक भी है रे, बता दूं कि यहाँ में इतनी ऊंची जगह में एक खूबसूरत घर बनवा गया है, यानी ये लोग बस्ती लेवल में आता है, बहुत खूबसूरत है। ये है कुनुंगा पीछे तालुम। आज का हाइकिंग में वापस नाम नहीं ले सकता, फैमिली पर देखो बोर्ड गेजू है, इसको और रगड़ना पड़ेगा, किकरा बन के नाम रहा है। और बाकी सब तो चला गया, यहाँ पे काया भी बहुत स्ट्रॉन्ग से चला गया। ये देखिए रास्ता में क्या है, क्या है अभी, चार चक्का कैसे आएगा मुझे पता नहीं। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं, हम सोचा कि रास्ता बना के ले जाऊँ, पर उन लोगों ने माना नहीं, और ये इतना डरावना रास्ता, हम लोग जा रहे हैं ऊपर में, अभी तक बच्चा लोग, ये पूरा नदी में आ गया, रास्ता में नदी आ गया। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, रही है पन्नी आज का, या सोनी बहुत अच्छा काम करते हुए, बहुत ही खूबसूरत। थोड़ा पहले मैं ये गए और गाड़ी को दिखा रहा था, बहुत खूबसूरत। तो हम लोग गाड़ी छोड़कर पैदल चल रहा है, इतना पहाड़ ऊंचा देख सकते यार, जान निकल गए। मैं इतना बारिश में फंस गया हूँ यार, आज तो बहुत दुख लग रहा है खुद को, हाइकिंग ज़्यादा कष्ट ज़्यादा, ऊपर से इतना पराई चढ़ाई, पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई, ऐसे पहाड़ चलना हमारा यहाँ आदत ही है, हम अरुणाचल में बहुत पहाड़ एरिया का ही रहते हैं, यहाँ में 1% प्लेन एरिया है, और बाकी लोग आगे चल रहा है इतना बारिश में। तो दोस्तों ऐसी जगह भी जिंदगी में मुफ्त नहीं मिलता, सबको इंजॉय करना चाहिए। तो बारिश बहुत गिर रहा है, मैं आगे की सब परी के लिए बंद करता हूँ, मेरा बैटरी भी खत्म होने वाला है, सभी को बाय बाय। मेरा गला भी खराब हो गया यार, सर्दी लग गई, बाय सबका, मैं गिर जाना हूँ। ऑटोमेटिक पायरेट हाइकिंग में इसका फोन खराब हो गया, देखो सब लोग। और ये लोग बहुत लेजी वाला गेंग भी आ गया है, ये लोग पूरा परिश्रम सब चला गया।